ओम वंदे गा मातरम। मित्रों, वर्षा ऋतु जहाँ शुरू होती है वहीं वात रोगियों के वात की समस्या बढ़ जाती है, यानी कि उनके जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। और मित्रों, जोड़ों का दर्द जो शुरू होता है वर्षा ऋतु से वो सर्दियों तक चलता रहता है, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मित्रों, आज हम वात रोगियों के लिए कुछ समाधान लेके आए हैं। और हाँ, इसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट है मजबूत जोड़, उसमें हमने और भी वीडियोज दिए हैं, आप पालन करेंगे तो समाधान पूरा हो सकता है। तो आज हम जो आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं वात रोगियों के लिए, आपको अलसी की पंजीरी बताने जा रहे हैं। आप चाहें तो अलसी के लड्डू भी बना सकते हैं। कैसे बनाना आपको विधि बताएंगे, आप उसको करेंगे ना, ये स्वादिष्ट भी होता है, आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं कि मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। और आप चाहें तो इसको एक दवा के रूप में भी ले सकते हैं। तो आपको इसमें डालना क्या क्या, पहले वो बता दूं। ये है 80 ली है 300 ग्राम हमने। आप चाहें तो कम का बना के प्रयोग भी कर सकते हैं, चाहें तो ज्यादा बनाए कम बनाए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और उसके अलावा हमने लेंगे इसमें 100 ग्राम ये तरबूज। तरबूज आपने देखा उसके अंदर काले काले जैसे बीज आते हैं, उसके अंदर का ये बीज होता है ये सफेद होता है, ये तरबूज का मगज बोलते हैं कुछ जगह, और कुछ तरबूज के बीज भी कह सकते हैं ये होते हैं। और इसके अलावा गोंद, गोंद है 100 ग्राम। और उसके साथ हम लेंगे मखाना 100 ग्राम। और हमें इसमें डालना है आटा। आटा हम जो ले रहे हैं ना मित्रों, हम गेहूं का नहीं ले रहे हैं, हम जौ, क्योंकि जौ जो है ना पचने में बहुत हल्का होता है, मोटा आटा हमें पिसवाना है। जौ, चना और रागी, ये तीनों चीज़ें हम पिसवा सकते हैं। और ये आप हो सके तो पत्थर की चक्की में पिसवाइए, क्योंकि कटर वाली चक्की में वो कटता है, पिसता नहीं, तो सही गुण नहीं करता है। तो इसको आपको क्या करना है, थोड़ा मोटा पिसवा लेना। और ये आटा हमें लेना करीब 250 से 300 ग्राम जितना जाएगा, जितनी अलसी है, डिपेंड करता है स्थिति, वो हम देख लेंगे कितना डालना है। और घी और मीठा आपके स्वाद के अनुसार होता है और आपकी जरूरत के अनुसार होता है, कि मीठा थोड़ा आप आगे पीछे कर लेते हैं, और घी जैसी सुविधा आती है, जैसी जरूरत होती है, हम जो बनाएंगे उसमें उसके अनुसार हम डालते हैं। हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि हम इतना ही घी प्रयोग करेंगे, और यदि कर सकते तो मैंने कभी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मैं तो जैसे बनाती हूं वैसे ही बनाना आपको बता रही हूं, बस आज कैमरा लेके बैठी हूं, वरना मैं ऐसे ही बना लेती हूं। तो आइए हम बनाते हैं अलसी के पाक या अलसी की पंजीरी। हमने गैस चालू कर ली है, हमने बड़ी कढ़ाई ली, क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई की जरूरत पड़ेगी और इसमें ही काम हो पाएगा, तो हमने लोहे की कढ़ाई है, ताकि आयरन की कमी इसी से पूरी हो जाती है। और हम ये डाल रहे हैं पहले अलसी। अलसी को हमें भून लेना है पहले, अलसी और तरबूज के बीज दोनों चीजें हम डाल के पहले भून लेंगे, क्योंकि हमने इनको पीसना भी है। तो पहले इसको भून लेंगे। मित्रों, अलसी में ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है, और जो तरबूज के बीज होते हैं ना, इन बीजों में हमेशा तेल होता है मित्रों, और जो तेल होता है प्राकृतिक होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, कुछ और नहीं होता है। इसके कारण से जो तेल होता है ना, ये हमारे जोड़ों को लुब्रिकेंट करने में बहुत अच्छी सहायता देता है, जिससे जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। और जो अलसी जो होती है ना, ये हमारे रक्त के संचार को मजबूत बनाती है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत बनाती है। इसमें जो तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे रक्त को पतला भी करते हैं, गुणकारी भी होते हैं। इसमें घुलनशील फाइबर्स होते हैं जो हमारे रक्त में मिलके उसको पतला भी करते हैं। और साथ ही जो लोग मांस नहीं खाते, जैसे हम जैसे शाकाहारी लोग होते हैं ना, क्योंकि कहा जाता है कि भाई ओमेगा 3 मछली में होता है, पर हमारे लिए इसमें बहुत अच्छा मिल जाता है, तो हमारे लिए बड़ा गुणकारी होता है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इसकी आवाज़ आने लगी, चर्चर करने लग गई है। तो यह हल्की भुन जाएगी ना, उसके बाद हम इसको निकाल के हम दूसरी चीज़ करेंगे। इसको लगातार हिलाते रहना, यदि हिलाएंगे नहीं ना तो जल जाएगा, हमें जलने नहीं देना। आप देखिए, सब एक जैसा भुनना चाहिए, ये भुन जाएगा ना तो अच्छे से पिसेगा भी, जो हमारे दांतों में फिर चिपकेगा नहीं। वरना अलसी क्या होती है ना, ऐसे चबाओ तो दांतों में फूटती तो चिपक जाती है, तो वो कई बार वो दांतों में अटक जाती है। इसको धीमी आंच पे भून रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, एकदम धीमी आंच हमने की हुई है, ताकि कुछ भी जले नहीं। तो गैस कढ़ाई बड़ी भी है, फिर भी हमने उसको बहुत तेज आंच नहीं रखा है, और ये करीब करीब भुन गया है, क्योंकि मखाना गर्म होता है उतने में ही, थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाए उतने में ही भुन जाता है। और ये करीब करीब भुनने के तैयार हो गया है। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसको ठंडा करना पड़ेगा, तब हम इसको पीस पाएंगे। गर्म पीसेंगे ना तो इसे पिसता नहीं है, तो अभी इसको हमें थोड़ा ठंडा होने देना पड़ेगा, तब हम इसे पीस पाएंगे। तब तक हम अपनी बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेंगे, तो आसान हो जाएगा। इसको मैं थाली में निकाल दूँ, ताकि वो आसान हो जाए। ये हमने पलट दिया, अब इसमें हम दूसरी चीज़ डालेंगे,
अब हमें इसमें डालना है घी। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए, ठंडा नहीं होगा तो पिसेगा नहीं ठीक से। अब हम इसमें डालेंगे घी। घी हमें डालना है कैसे, आप क्योंकि हमें गोंद अभी भूनना है तो गोंद भूनने के लिए हमें घी डालना पड़ता है। गोंद घी बिना नहीं भूजेगा तो उसको घी डालना होता है। तो हमने अभी इतना ही घी लिया है, थोड़ा कम लिया है घी। तो अभी घी गर्म हो उतनी देर में हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। घी में हमने एक गोंद का टुकड़ा डाल के देखा और लगा कि घी गर्म हो गया तो पता चल जाता है, क्योंकि जो यदि घी गर्म हो जाएगा ना तो गोंद का टुकड़ा ऊपर आ जाता है, वो भुन जाएगा। थोड़ा अभी टाइम लग रहा है, मतलब घी थोड़ा और गर्म होना चाहिए, तो हम घी गर्म होने देते हैं। घी में बहुत ज़्यादा धुआं नहीं निकालना, ये ध्यान रखना है, गर्म होना चाहिए, धुआं नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा पक जाता है ना। हाँ, हमें मीठा कितना लेना वो भी बता दूँ कि जो आपने सब लिया है ना, सारी चीज़ें मिला के करीब 800 ग्राम हो रही है, यानी कि 300 ग्राम आटा है, 300 ग्राम आपका ये अलसी है, 100 ग्राम गोंद है, 100 ग्राम वो बीज है, और उसके अलावा मखाने हैं 100 ग्राम, तो करीब 600-700 ग्राम ये सामान होता है। तो हम उसका आधा इससे थोड़ा ज़्यादा, यानी कि करीब 400 ग्राम जितनी हम बोरा ले लेंगे। ये बोरा मेरे पतंजलि का बोरा है ये, और मैं इसको इसी में ले लेती हूँ क्योंकि मुझे इसी में इसको रखना है। तो मैं इसको कैसे करूँगी, इसका पहले वजन कर लेती हूँ, तब तक ये गर्म हो जाएगा ना, तब तक मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ तो आसान हो जाएगा। ये देखिए, इसको मैं गंठे तोड़ लेनी है, नहीं तो चलो बड़ा रह जाएगा तो दिक्कत देगा। हमें 400 ग्राम करीब बोरा ले लेना है ताकि अच्छे से हो जाएगा मीठा, उतने में हो जाएगा मुझे आशा है ऐसी, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा खाती हूँ फिर भी मुझे मीठा खाना अच्छा भी लगता है। चलिए, हमने 400 ग्राम बोरा ले लिया है और उसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके गांठे फोड़ लेंगे। वैसे तो फूट जाएंगी जब हम उसको करेंगे ना, गर्म करेंगे तो भी फूट जाएंगी, और गांठे पहले भी हम फोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम फोड़ लेते हैं। और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं। तो ये गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा हम ये डालेंगे गोंद। वैसे आप गोंद चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं, ये पूरा भुन जाना चाहिए, भुनेगा तो ही काम करेगा, भुनना चाहिए तो दांतों में चिपकता ज्यादा है खाते समय। तो ये आप इसको भून लेंगे ऐसे करके, ये पूरा भुन जाएगा, इस तरह आपको गोंद पूरा भून लेना है, और ये बाद में पीस भी जाएगा, हम पीस भी देंगे इसको थोड़ा सा समय मिला के, तो हो जाएगा अच्छे से। गोंद कौन सा लेना है, तो गोंद अक्सर बाजार में बबूल का मिलता है खाने वाला, वही लेना है, इसमें कतीरा नहीं काम आएगा, सादा गोंद आपको लेना है, और बाजार में आप गोंद बोलेंगे तो वही गोंद आपको मिलेगा। 100 ग्राम गोंद कितना सारा हो गया भूनने के बाद, अब ये पापड़ जैसा लग रहा है, इसको हम पीसेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अब हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे, इसमें आटा डालेंगे, आटा अब हमें भूनना है, तो हम पहले थोड़ा सा घी और बढ़ा देते हैं ताकि हम उसमें आटा डाल के उसको कर सकें। तो मेरा तरीका जैसा है मित्रों, मुझे क्या है ना, रसोई की वीडियो बनाना मेरी आदत नहीं है, मेरा अभ्यास नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, पता नहीं है कैसे बनाती है क्या करती है, पर मेरा तरीका ऐसा ही है, मैं जैसे करती हूँ मैं वैसे आपको करके दिखा रही हूँ, आप घर में कैसे बनाते हैं आई डोंट नो। हाँ, ये डब्बा बड़ा है, नहीं तो मैं तो डब्बा का ही उल्टा करती हूँ, आपने कई बार मुझे जो सब्जी वगैरह बनाते देखा उसमें देखा है, मैं सीधा डब्बा ही उल्टा करती हूँ, और ये डब्बा, और हाँ देखा मैंने गड़बड़ कर दी ना दूसरा उसका डाल दिया मैंने, उसमें आटे वाला डब्बे का ढक्कन डाल दिया इसमें, देखा हो गया गड़बड़ मेरे से, ये काम मेरे से होता है रसोई में कभी कभी, क्योंकि मुझे रसोई के काम करने का अभ्यास नहीं बचा है, मैं आजकल रसोई में काम बहुत कम करती हूँ। चलिए, तो मैं इसका ढक्कन बंद कर दूं, मैं इसको बंद करना था तर उसको दिया। अब हमें लेना है आटा, आटा हमें लेना है करीब 300 ग्राम जितना, मैं जरा आटे को तोड़ूं तो कितना हो रहा है, 300 ग्राम मैं उस सबसे ले लूं। हाँ, तो क्योंकि हमने जितनी अलसी ली उतना ही हम आटा लेंगे करीब करीब, उसको हमें भूनना है। फिर ये हो गया करीब 170 ग्राम ये हो गया, मैं पहले इसको डाल देती हूँ थोड़ा मत भाई, उसके बाद और डाल देती हूँ थोड़ा सा, 170 हो गया है तो ये मुझे भी 130 और लेना है, ठीक है। इसको मैंने छाना नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें साइड में रुए बहुत सारे निकल रहे हैं, ये जौ का आटा इसलिए रुए निकल रहे हैं। तो इसमें 130 ग्राम लेना, तो 160 ग्राम हो गया, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा कम कर देती हूँ, तो ये मैंने करीब और ले लिया। अब ये पड़ गया आटा, अब इसको हमें भूनना है। घी कितना डाला है अंदाज से डालना है, बाद में भी डालेंगे तो चलेगा, जैसे कम हो गया ना तो आपको अंदाज मिल जाएगा भूनते समय कि अभी और डालना पड़ेगा।
तो ये देखिए आटे का कलर थोड़ा डार्क है क्योंकि बोला ना नाचनी रागी है और चना भी है और जौ है, तो आटे का कलर थोड़ा डार्क आएगा। आप चाहें तो गेहूं में भी बना सकते हैं, पर आटा मोटा पिसवाइएगा, रवा मैदा में मत बनाइएगा, वो उतना काम नहीं करेगा। जो सबसे अच्छा काम करेगा, इसलिए मैंने आपको जौ बताई है, जो है ना जो है रागी जो है ना मित्रों, वो 100% अल्कलाइन अनाज है, तो वो आपको अच्छे से खाना चाहिए। रागी बहुत अच्छी चीज़ है। अभी इसमें घी थोड़ा और डालना पड़ेगा, घी मुझे कम लग रहा है क्योंकि इसको हम अभी करेंगे ना जब ठीक से भुनने वाला नहीं है ऐसे, तो इसमें थोड़ा घी और डाल देते ताकि ठीक से भुन सके। तो घी डालेंगे हम, ऐसे उठा के डाल देंगे। हाँ ये देखिए एक दो चम्मच, थोड़ा आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है और ठीक है चलता है। चलिए तो हमने वापस थोड़ा सा घी और डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे। देखिए थोड़ा लिक्विड हो गया है, उसको चलाते भी बनेगा क्योंकि हम इसमें बाकी चीजें डालेंगे ना तो अपने आप को बंधने में आ जाएगा, हो जाएगा। तो ये भुनना ठीक से चाहिए। अब ये भुना है कैसे पता चलेगा, इसकी एक तो स्मेल आती है, इसको धीमी गैस पे ही भुनना है। इतने आटे को भुनने में करीब आधा घंटा लग जाएगा, इतनी धीमी गैस पे आपको इसको भुनना है। और इसकी सौंधी सौंधी सुगंध आएगी ना तब आपको पता चलेगा हाँ आटा भुन गया है। तो हमने बताया आपको जो आप रोज खा सकते हैं, चना भी पेट के लिए अच्छा होता है, हल्का हल्का नहीं होता वैसे तो भारी होता है, पर हाँ जिनको डायबिटीज है उनके लिए चना अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है। और रागी सबसे अच्छा है मित्रों, रागी और जौ दोनों चीजें अच्छी हैं। यदि आपका पेट बार बार खराब होता है तो चना ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रागी और जो ये आप जरूर डालिएगा, रागी बहुत अच्छी चीज है मित्रों, वो सबको खानी चाहिए, पर हम समझते नहीं, हम खाते नहीं है। तो ये हम इसको भून लेते हैं। मैं जब काम करती हूँ ना मित्रों, कभी भी कोई एक काम पकड़ के नहीं बैठती हूँ। अब ये हो रहा है ना, इसके साथ मुझे बाकी चीजें साथ में कर लेनी है। अब जैसा कि मैंने कहा था ना, ये मैंने उसमें डाल के देखो ठंडा हो गया थोड़ा, अब इसको हम पीसेंगे। इसे हमें पीसना है, मिक्सर में डाल के इसको पीसेंगे। कैसे, ये मिक्सर में मैं डाल देती हूँ क्योंकि ये जो अलसी है ना वो पूरी अलसी नहीं सॉरी ये जो मखाने हैं ना ऊपर तक पूरा भर जाएंगे, उसको भर के हम पीस सकते हैं, दो तीन बार में पीस जाएगा। मैं अब इसको पीस लेती हूँ। हाँ थोड़ा गिर भी रहा है, दो बार में पिस जाएगा ये मुझे ऐसी आशा है क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है तो दो बार में पिस जाएगा, तो मैं इसको भी पीस लेती हूँ। ये मैंने गोंद भी इसमें पीसना है क्योंकि गोंद काफी मोटा है ना तो वो उसमें मेल्ट करना पड़ेगा, उस गोंद को भी हम पीसेंगे। गोंद में घी था ना इसलिए गोंद ऐसा पिसा है, मैंने आपको अलसी पीस के नहीं दिखाई है, मैंने सोचा दोबारा पीसूंगी तब दिखा दूंगी। इस गोंद को हम इसी कढ़ाई में डाल देते हैं ताकि वो उसमें मेल्ट हो जाएगा, हमें उसमें डालना तो है ही, अभी भी डाल देते तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर हमने डाल दिया इसमें कढ़ाई में, और क्योंकि हमारा वो भुन चुका है जो आटा है ना वो हमारा भुन चुका है, आधा घंटा हो गया है, मैंने बीच में कैमरा बंद कर दिया था तो हो चुका आधा घंटा, ये हमारा गोंद भुन गया है। अब ये अलसी तरबूज के बीज और मखाना पिस के तैयार है, अब हम इन सबको मिला देंगे ठीक है, कढ़ाई में ही हम सब चीजें डाल देंगे और हम इसको मिलाएंगे। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब चीजें बढ़ती चली जा रही है, कढ़ाई बड़ी है बढ़ती चली जा रही है, काम होता चला जा रहा है और बहुत सरल है मित्रों करना, कोई कठिन नहीं है। मैं आपके सामने इसलिए सारी चीजें करके दिखाती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई कैसे होगा, मैंने बड़ी थाली में पूजा भाई हाँ ये सब गिर जाता है ना, तो मुझे बड़ा बुरा ना रसोई मुझे काम करने की आदत नहीं रही, मैं बहुत कम काम आजकल करती हूँ, भोजन ज्यादा बनाना नहीं होता मेरे को। तो ये देखिए हम इसको मिला रहे हैं, मैंने गैस अभी बंद कर रखी, इसमें हम सारी चीजें डाल देते हैं, बाकी बुरा बुरा सब हमने डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा मीठे का पंगा ये होता है, अब देखो ये सारा थोड़ा सूखा बनेगा, मैंने कहा ना मैं पंजीरी बनाती हूँ, आप इसको चाहें तो लड्डू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी अच्छा खासा मेरे को मुझे लगता है करीब 1.5 किलो के आसपास की चीजें बनेंगी ये सारा वो सामान, तो ये आप अच्छे से इसको टेस्ट ले लेके खा सकते हैं। इसको किसके साथ खाना भी बता दूं, अभी देखो उसमें जो गांठे हैं ना बूरे की वो मैंने नहीं निकाली थी तो मेल्ट कर देनी है, ऐसे हो जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो क्या है मुंह में ही जाएंगी ना। हाँ तो थोड़ी बड़ी है तो उसको मैं मेल्ट कर देती हूँ, बड़ी है वो वैसे गर्म होने से भी मेल्ट हो जाता है, पर हाँ अभी इसमें हमें अब घी देखो कम वापस लगेगा थोड़ा सा तो हम और डाल सकते हैं, और नहीं लगे तो इतने में भी हम काम चला सकते हैं। ये देखिए चलाएंगे तो पता चलेगा कि कहाँ क्या है क्या है कैसी स्थिति है, तो सारी चीजें हमें पता चलेंगी। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और बीच बीच में जहां भी क्योंकि गांठ जैसा थोड़ा बहुत तो बन ही जाता है क्योंकि हमने जो घी में आटा भूना है ना उसमें हम सारी चीजें मिला रहे हैं, तो सारी चीजें अब उसमें धीरे धीरे करके मेल्ट हो पाएंगी। तो ये देखिए जैसे गांठे मिले उसको आपको फोड़ देना है और मिलाते जाइए चलाते जाइए मित्रों, थोड़ा बहुत फैल भी जाता है क्या करें,
तो पसीना अच्छे से आ रहा है कि मेरी रसोई में मैं पंखा भी नहीं चलाती हूँ और एसी तो मेरे घर में है ही नहीं। अब पता नहीं किसी को मैंने कहा था, बोले रसोई में भी एसी लगाते हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लगा, रसोई में एसी मुझे समझ में नहीं आया, पर लगाने वाले लगाते हैं भाई। कोई सभी अपनी अपनी स्थितियाँ होती हैं, जरूरतें होती हैं। अब देख सकते हैं इसमें कुछ गांठें हैं, बुरे की ओर रह गई हैं। मैंने बुरा ठीक से घोला नहीं था तो इसलिए रह गई हैं। अब ये हमारी करीब करीब पंजीरी थोड़ा मिलाऊंगी तो तैयार हो जाएगी। मित्रों आपको बता दूं इसमें क्या क्या मैंने जो डाला है उसमें गुण क्या क्या है। अभी इसमें एक दो चीज रह गई है, क्या रह गया, शतावरी रह गया है। अब इसमें हमें थोड़ी देर में शतावरी मिलानी है क्योंकि हम इसको जब मिला रहे हैं ना तो शतावरी हमें मिला देनी चाहिए। अब मैं आपको पहले जैसा कि बताया था जिनको वात के साथ कफ है वो ये लेंगे ना, वात वालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। पर जिनको वात के साथ थोड़ा पित्त बढ़ा हुआ है, इसमें थोड़ी सी जो आपको बता दूं तो ये जो ड्राई फ्रूट्स जो पड़ते हैं ना, वैसे हमने ड्राई फ्रूट डाले नहीं है, पर जो भी सूखी चीज़ें ना बीज वाली, ये सारी थोड़ी गर्म पड़ जाती हैं। जैसे अलसी भी थोड़ी गर्म पड़ जाती है पित्त के रोगियों के लिए, तो आपने जो इसमें घी डाला है उसको बराबर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गोंद थोड़ा गर्म पड़ जाता है क्योंकि हमने गोंद में पानी नहीं डाला है। ये राब नहीं है, राब नॉर्मल होती है बात रोगों के लिए, ठंडी होती है, लेकिन हमें इसमें पानी नहीं डाला है तो गोंद गर्म प्रभाव डालता है। तो ऐसी स्थिति में जिनको पित्त है वो लेके देखे जी, उनको सूट करे तो ले, नहीं तो ना ले, जिनको वात और पित्त मिश्रित हो। पर जिनको पित्त वात अकेला है वो ले सकते हैं। अब इसमें वात वालों को और क्या डालना है, मैंने बोला ना ये शतावरी चूर्ण आपको डालना है। शतावरी चूर्ण आप इसमें 50 ग्राम करीब डाल सकते हैं। 50 ग्राम चूर्ण में तो बंद है, इसमें मेरे पास दो डब्बे हैं क्योंकि मैं अभी लाई थी दोबारा, खत्म होने आया था। तो ये देखिए शतावरी चूर्ण हमें इसमें डाल देना है। शतावरी चूर्ण थोड़ा, इसकी एक समस्या क्या होती है, तुरंत ही एक जम जाता है इसलिए इसको फोड़ना पड़ता है। आप यदि शतावरी चूर्ण लाते हैं ना उसको ध्यान ही रखिएगा, उसको हवा नहीं लगनी चाहिए, जरा सी हवा लगे वो बहुत जल्दी जमता है। इसलिए शतावरी चूर्ण आप लाइए, वो पाक वगैरह आते हैं ना उसमें बहुत मिलावट होती है, तो आप वो सब चीज़ें मत लाया करिए। कई बार आप बोलते हैं कि इसका उसका चलेगा, हम इसका लाएं उसका लाएं, वो नहीं चलेगा। इसमें कहीं 50 ग्राम था तो मैंने वो पूरा डब्बी में डाल दिया है। और आप हाँ यदि आपको ये नहीं जम रहा है तो पंसारी की दुकान से खुला भी ला सकते हैं, पर ध्यान रखना है आपको डब्बे में पैक करके रखना, वरना शतावरी चूर्ण जो है ना वो बहुत जल्दी सीड़ जाता है। इसकी बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत जल्दी जम जाता है, फिर आपको लगता है कि ये खराब हो गया। वो खराब नहीं होता, जम जाता है तो उसको फिर फोड़ना पड़ता है। और आप चाहे यदि कफ के रोगी भी हैं आप तो इसमें सौंठ 100 ग्राम और 100 ग्राम आप इसमें मेथी दाना भी डाल सकते हैं। यदि आप कफ के रोगी भी हैं साथ में, तो कफ और वात आपका बढ़ा हुआ है तो आप इसमें 100-100 ग्राम वो दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं। इससे आपका स्वाद भी अच्छा आएगा और आपके कफ में भी वो काम करेगा और आपको वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब मैंने गांठें फोड़ी नहीं थी, जैसा कि आप देख रहे हैं बीच बीच में गांठें आ रही हैं। और आप इसमें चाहें तो थोड़ा घी और डालना पड़ेगा। यदि आपको लड्डू बनाना है तो थोड़ा सा घी और डाल के आप लड्डू भी बना सकते हैं, वरना मेरी पंजीरी तैयार है। इसमें बहुत ज्यादा हमने घी भी नहीं डाला, आपने देखा है कि बहुत ज्यादा घी नहीं है, जैसे घी टपक रहा है बहरा वैसा नहीं है। अब इसको वैसे बांधेंगे तो बंद भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हाँ थोड़ा लगे तो घी और डाल लीजिए और बांध सकते हैं। पर मैंने कहा ना मुझे तो पंजीरी ही खानी होती है, मैं पंजीरी ही बनाती हूँ तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगी। बस ये मैंने मिला दिया है और ये मेरे लिए मेरा पंजीरी तैयार हो गया है। तो आशा है आपको भी पंजीरी बनाना समझ में आया होगा, कैसे बनानी है, क्या करना है, सरल विधि है मित्रों और कोई ज्यादा झंझट नहीं है, ज्यादा तामझाम नहीं है। हाँ समय करीब ये मान लीजिए कि पूरा मिला के सब कुछ करके एक घंटा बहुत से बहुत समय लगेगा, क्योंकि आधा घंटा जो है ना आटा भुनने में लग जाता है। तो आटा भुनने के बीच में आप बाकी सारी तैयारियां कर लीजिए, और नहीं तो आप एक काम और कर सकते, एक साइड आटा भुने रख दीजिए, दूसरी कढ़ाई में दूसरा काम कर लीजिए। और मुझे ज्यादा बर्तन करने अच्छे नहीं लगते, तो आप देखिए ना मैंने इसमें मखाने थे इसी में आपको बुरा दिखा दिया और इसी में आपको सारी चीजें कर दी, और इसी में अब इसको मैं भर के रख दूंगी तो मेरा काम हो गया। अब आशा है आपको ये चीज पसंद आई होगी, इसको टेस्ट करिएगा, बहुत अच्छा है। अब इसमें कभी कभी किसी को एक समस्या और होती है जो पहले मुझे भी होती थी, मुझे समझ में नहीं आता था आटा कब भून गया मानूं, क्योंकि मुझे कभी कभी कच्चा जैसा महसूस होता था, तो कच्चा आटा खाने में बड़ा अजीब लगता है। तो आप इसमें काम और कर सकते, ट्रायल आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा आटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा बोरा मिलाइए उसको उस समय अलग से, क्योंकि हम थोड़ा झूठों को मानते हैं, झूठा नहीं करते खट्टी चीजें, क्योंकि भोग वगैरह लगाना होता है, तो उसको अलग से लेके हम थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते थे। ऊपर वाले को बोल देती भाई कुछ भी खिलाने से अच्छा है कि भाई थोड़ा टेस्ट कर लूँ तो उसके बाद बनाऊं, क्योंकि मैं इसको प्रसाद के रूप में भी इस्तेमाल करती हूँ। तो आप वो भी कर सकते हैं, पर अभी तो मुझे उसकी स्मेल से पता चल जाता कि हाँ हो गया है, तो मैं वैसे ही मान लेती हूँ। तो वही मैंने आपको बताया, अभी आपको कैसा लगा
टेस्ट करके बताइएगा, बना के टेस्ट करके बताइएगा। मैंने सारी चीजें आपके सामने की हैं, तो आशा आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चाहें तो इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, यदि आपका वात ज्यादा बढ़ा हुआ है। और वात के साथ कफ में कहा ना, ड्राई फ्रूट जो होते हैं ना उसमें अपना नेचुरल तेल होता है, जो कई बार कफ को समस्या कर सकता है पर वात को समस्या नहीं करेगा। जिनका अकेला वात है उनको ड्राई फ्रूट समस्या नहीं करेंगे, पर जिनको पित्त है उनको भी समस्या करेंगे, वात वालों को भी थोड़ी समस्या करेंगे, सॉरी कफ वालों को भी थोड़ी समस्या करेंगे। तो बस इतना भी बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा काम करेगा। और ये खाके देखिए बड़ा टेस्टी है। इसके ऊपर आपको दूध पीना है, गुनगुने से थोड़ा गर्म दूध पी लीजिए। कफ है तो हल्दी वाला थोड़ा आधा चम्मच हल्दी डाल के पी सकते हैं, और पित्त है तो हल्दी मत डालिए, सादा दूध आप पीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। और इसके ऊपर आपको दूध ही पीना है, घी वाली चीज़ है और ये थोड़ी अलग होती मीठी है, तो इसके ऊपर आपको दूध ही पीना है, पानी नहीं पीना, ये आपको सावधानी बता रही हूँ। और इसका आप रोज करीब जितना आपकी मात्रा लगे आप इसको, मैं बता दूं आपको, करीब एक दिन में करीब ये 100 ग्राम 50 ग्राम जितना या कितना कटोरी भर के आप इसको सेवन कर सकते हैं। कितना होगा ये, सब 50-60 ग्राम होगा, उतना आप सेवन कर सकते हैं। और डिपेंड करता है आपकी जरूरत कितनी है। आप एक बार बोलते कितना खाना, अरे आपकी जरूरत कितनी है भाई, आपका शरीर कितना मांग रहा है। कभी हो सकता है 100 ग्राम भी कम पड़ जाए, कभी हो सकता है 50 ग्राम भी ज्यादा हो जाए, तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। तो अब मुझे पसीना आने लगा, पहले आपने देखा होगा मैं रसोई में काम करती थी पसीना नहीं आता था, अब अच्छे से पसीना आता तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद, वंदे मातरम।